Okay, Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to the sixth session of Flutter course. So this is the second session of week three now. So in the last session, we discussed some advanced topics of Dart, including list. We discussed list in very details, like some short form of functions as well. Single line functions, we discussed this one as well. So इस वीक का जो एजेंडा है, सो इस सेशन का जो एजेंडा है हमारा, asynchronous functions and future and await को थोड़ा सा देखना है, and then we'll go toward like data model concepts and basic architecture of a Flutter application, जो best practices हैं जो follow करने चाहिए, so we'll discuss that, and then after that for this week we are having it and GitHub short series as well, जो कि recorded sessions आपको मिलेंगे. But I'll be there to answer all your questions regarding this Git and GitHub concepts as well. So starting with asynchronous functions, feature and await things. Okay. Now directly coming back to the to Flutter and Dart. So like over here, यहाँ पर मैंने दोबारा से वही जो हमने कल एक फाइल क्रिएट किया था यहाँ पर Dart Advanced Topics के नाम से, और उसमें main का function भी है क्योंकि हमने इसको separately run करना है. So that's why we'll be using this function, this class, sorry, this file. Okay, let others to join as well. So agenda, I think, clear for this week. Now coming towards actual implementation. So ye hamara file hai, so isko run karte hain, check karte hain iska output. Agar aap mein se kisi ne abhi tak isko टेस्ट नहीं किया, हाउ डज इट वर्क, सो इसको हम डायरेक्टली एक सिंगल फाइल को भी हम रन कर सकते हैं. सो दिस फाइल हैज रन ओवर हियर, एंटोनिक्स फिल्टर कोर्स, सो ओवर हियर यू कैन सी एंटोनिक्स फिल्टर कोर्स. ओके, नाउ हम आते हैं जो एडवांस टॉपिक्स हैं उसकी तरफ. सो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो एसिंक्रोनस फंक्शंस, फ्यूचर एंड अवेट. ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास फ्लटर में टू टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं. सही है, फंक्शंस के हमारे पास दो टाइप्स हैं. एक हमारे पास है सिंक्रोनस फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस फंक्शंस. एसिंक्रोनस फंक्शंस, सही है. एसिंक्रोनस फंक्शंस भी कहते हैं इसको, आप इसको एसिंक फंक्शन भी बोलते हैं. सो ये दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास फ्लटर में फंक्शंस के लिए. अब सिंक्रोनस फंक्शंस कौन सा फंक्शन होता है जिसमें हम कोई वेट वगैरह नहीं लगाते हैं, मतलब जिसका जो रिटर्न टाइप है ना, रिटर्न ये इसका जो रिटर्न है ना, ये डायरेक्ट रिटर्न करता है वैल्यूज, डायरेक्ट रिटर्न, सही है. और जिसके इसका जो रिटर्न टाइप है ना, ये इसका फ्यूचर में करता है, सही है. Return something in the future. अब फ्यूचर का मतलब क्या है, रिटर्न रिटर्न डायरेक्ट रिटर्न, सही है. अब सिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है, जो डायरेक्टली कोई वैल्यू रिटर्न करता है, उसमें कोई वेट वगैरह नहीं होता, उसमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं होती. जबकि एसिंक्रोनस फंक्शन जो है, ये हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जो हमें वैल्यूज फ्यूचर में रिटर्न करते हैं मोस्टली, एंड जिसमें हम वेट लगाते हैं, जिसके अंदर वेट होता है. अब हम आते हैं थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, या जस्ट लेट सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, या उसको मैं करता हूँ स्ट्रिंग, उसका रिटर्न टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग, और फंक्शन का नाम लिखते हैं टेस्ट स्ट्रिंग, सही है. ओके, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं रिटर्न करता हूं वैल्यू जस्ट हेलो वर्ल्ड. ओके, तो ये अब हमारे पास है सिंक्रोनस फंक्शन है. हम जब बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन बनाते हैं तो वो हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शन होता है, सही है. सो अब हम यहां पर आते हैं दोबारा से, इसको मैं क्या करता हूं, मैं प्रिंट करता हूं टेस्ट स्ट्रिंग, मतलब टेस्ट स्ट्रिंग से जो वैल्यू आएगी मेरे पास उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, सही है. हम इसको रन करते हैं, ये फाइल सेलेक्टेड है, इसको रन करते हैं. सो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वैल्यू
हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी, सही है। अब ये करता क्या है, ये डायरेक्टली आपके पास वैल्यू रिटर्न कर देता है, सही है। मतलब ये सिंक्रोनस है। अब सिंक्रोनस ये होता है ना कि उसमें कोई वेट वगैरह नहीं होता, सही है, वो किसी रिसोर्स का वेट नहीं कर रहा होता, सही है, और डायरेक्टली मतलब जैसे जैसे हम इसको रन करते हैं उसका रिटर्न हमारे पास डायरेक्टली उसी टाइम पे आ जाता है, सही है। तो इस ऐसे फंक्शंस को वेट वेट लगाने की जरूरत नहीं होती। अब अगर आप देख लें, लेट सपोज हमने डेटा बेस से कोई डेटा फिच करना है, सो देट टेक सम टाइम, सही है। लेट सपोज यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाता हूँ, गेट डेटा फ्रॉम डीबी, सही है। अब ये फंक्शन है, ये डेटाबेस से डेटा लेने में टाइम लेगा खामखा, सही है। लेट सपोज उसकी लेटेंसी हमारे पास लेट सपोज 0.5 सेकंड्स हैं या चंद फ्यू मिली सेकंड्स हैं, सही है, जबकि ये हमारे पास माइक्रो सेकंड में माइक्रो सेकंड से भी मतलब आई थिंक जल्दी होगा, क्योंकि इसमें इतना कोई ज़्यादा काम है नहीं। सो इसका रिटर्न उससे भी मतलब जल्दी हमारे पास वापस आ जाता है, जबकि अगर हमने डेटाबेस से कोई डेटा फिच करना है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो एक रिमोट सर्वर्स को हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सही है, वो किसी और लोकेशन में पड़ा होता है, सही है, वो हमारा रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है एंड देन उसके बाद हमें उसका रिटर्न मिलता है। सो इस कंप्लीट प्रोसेस में काफ़ी सारा टाइम लगता है, क्योंकि जब इंटरनेट पे आपका डेटा जो है ना वो ट्रैवल करता है, स्टिल इट्स वेरी फास्ट बट स्टिल इट टेक्स टाइम एज कम्पेयर टू जो हमारा एप्लीकेशन रन होता है, सही है। सो अब ये जो गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस का फंक्शन है, ये कुछ टाइम लेगा। लेट सपोज यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास एक लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ अवेट, अच्छा मैं यहाँ पर करता हूँ फ्यूचर डॉट, आई थिंक अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, अभी आपको मैं समझा दूँ मैं इसका मकसद क्या है, बट मेन मकसद आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर करवानी है। सेकंड्स टू, सही है। अब ये क्या कर रहा है, फ्यूचर डॉट डिले 2 seconds एंड देन यहाँ से मैं वैल्यू रिटर्न करता हूँ, रिटर्न हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डेटाबेस। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वेट लगा दिया है, सही है, अच्छा अब हम इसको रन करते हैं, सही है, अब इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं एंड देन हम इसकी तरफ वापस दोबारा से आते हैं। प्रिंट गेट डेटा फ्रॉम डीबी, तो गेट डेटा फ्रॉम डीबी से मेरे पास जो डेटा आएगा उसको हम चेक करते हैं कि इसका हमारे पास आउटपुट कैसा आता है। इसका आउटपुट भी एग्जैक्टली इसी तरह ही होगा जिस तरह इसका आउटपुट है, सही है। अच्छा लेट सपोज एक मिनट, यहाँ पे मैं करता हूँ फिश डेटा फ्रॉम डेटाबेस, इसको मैं करता हूँ एसिंक्रोनस, इसको मैंने एसिंक्रोनस फंक्शन बना दिया है, ये क्या करेगा यहाँ पर फ्यूचर डॉट डिले ड्यूरेशन सेकेंड्स, इसको मैं करता हूँ लेट्स सपोज 2 seconds, यहाँ पर मैं अवेट भी लगाता हूँ, सही है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करता हूँ एंड ये चलें ये सारा काम हम यहीं पे कर लेते हैं, इसको मैं भी एसिंक्रोनस करता हूँ, सही है। अभी तक ये सिंक्रोनस फंक्शन था, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अवेट लगाऊंगा, सही है, एंड देन यहाँ से मैं वैल्यू रिटर्न करूँगा, क्लियर। अब इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, सही है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर मैंने वेट नहीं लगाया था, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं वेट नहीं लगाता तो इसका मतलब क्या होगा कि बस ये फंक्शन ये जब रन हो जाए ये एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब ये इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये फंक्शन जब ट्रिगर हो जाए उसके बाद डायरेक्टली आप वैल्यू रिटर्न करते हैं, सही है। लेट सपोज ये हमारे पास वो स्टेप हैं जहाँ पर डेटाबेस से हमारे पास डेटा आ रहा है, जो कि डेटा रिटर्न करने में कितना टाइम ले रहा है, लेट सपोज 2 seconds ले रहा है, सही है, और मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वैल्यू रिटर्न उस टाइम तक नहीं करनी, सही है। लेट सपोज से मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है जो कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मेरे पास वो डेटा है, आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सही है, और जब ये डेटा हमारे पास फिच हो जाएगा डेटाबेस से तब मैं इस डेटा को यहाँ से रिटर्न करूंगा। सो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेट लगाएंगे। अब अवेट का मतलब क्या होगा, अब अवेट का मतलब ये है कि जब तक ये फंक्शन रिटर्न नहीं होगा, ये फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तब तक हमने इस नेक्स्ट लाइन पे नहीं आना।
अब एक सिंक्रोनस फंक्शंस में क्या होते हैं, सिंक्रोनस फंक्शन में हमारे पास जस्ट लाइन बाय लाइन एक एक लाइन एग्जीक्यूट है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद फोर्थ लाइन, सही है। जबकि एसिंक्रोनस फंक्शन में ये होता है कि लेट सपोज ये लाइन है, ये कुछ टाइम ले रहा है, सही है। सो इस लाइन का ये जब तक ये लाइन प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर वेट लगा रहे हैं, सही है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, वो यहाँ पर मैंने जस्ट 2 सेकंड्स का वेट लगाया हुआ है, सही है। तो जब तक ये 2 सेकंड्स खत्म नहीं होंगे उस टाइम तक ये वेट करेगा ये वैल्यू रिटर्न करने के लिए, सही है। ये 2 सेकंड का वेट करेगा, इसके बाद ये हमारे पास ये वैल्यू रिटर्न होगी, सही है। सो दैट्स व्हाई अब यहाँ पर देख लें आप लोग, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ट्रेंड जब हम कर रहे हैं वैल्यू को, सो ये क्या बता रहा है कि फ्यूचर ऑफ डायनेमिक, इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर अंडरस्कोर डायनेमिक, सही है। इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही मैंने ये फंक्शन रन किया है, सही है, यहाँ पर, और मैंने उसको उसकी वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है, हालांकि इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की उस टाइम पर, सही है। जब मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ, सही है, ये क्या करेगा, जस्ट ये कॉल होगा तो इसमें 2 सेकंड लग रहे हैं एंड इसके बाद ये मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने कोई वेट वगैरह नहीं लगाया, लेट सपोज यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ ना, लेट सपोज फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू दिस, मतलब इससे जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो वैल्यू में आएगी और उस वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, सही है। इसको हम दोबारा से रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखें ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर डायनेमिक। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिटर्न होगा, रिटर्न जो वैल्यू है वो अभी तक वैल्यू मेरे पास इसमें नहीं आई, उसमें टाइम लगेगा, वो रिटर्न टाइप कहाँ पर आएगा, वो फ्यूचर में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे जाके, सही है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि यार इस वैल्यू को मैं, जब तक मेरे पास ये वैल्यू ना आए मैं ये लाइन एग्जीक्यूट ना करूँ, सही है, क्योंकि जब तक ये आपके पास ये डेटा इसमें नहीं आएगा उस टाइम तक तो आपने कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इस पर वैल्यू को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं उस टाइम तक, सही है। सो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास जो मेन फंक्शन है इसको हम अभी ये सिंक्रोनस है ना, सो सिंक्रोनस में क्या होता है, एक लाइन दूसरे लाइन का वेट नहीं करता, सही है, वो डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप रन हो रहा होता है, सही है। जबकि एसिंक्रोनस में ये है ना कि आप कहीं पे वेट लगा सकते हैं, एक लाइन पर आप वेट लगा दें, जब तक आपका वो वेट टाइम खत्म नहीं होता उस टाइम तक आपका नेक्स्ट लाइन रन नहीं होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बना देता हूँ, सही है। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं वेट लगा दिया है, मतलब कि अभी इसका जब तक इससे कोई वैल्यू यहाँ पर रिटर्न नहीं होगी तब तक हमने ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करना, सही है। अभी आपको अभी देखते हैं, यहाँ पर अब ये लाइन इसने रन कर दी है, अब 2 सेकंड का वेट करने के बाद जब इसने वैल्यू रिटर्न की है, यहां से जब ये वैल्यू रिटर्न हो गई है तब उसने जाके ये वैल्यू प्रिंट की है, सही है। सो अवेट का मेन काम क्या है, अवेट का मेन काम ये है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन है और वो हमें फ्यूचर में जाके कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सही है। अब इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा, इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमारे पास है फ्यूचर और स्ट्रिंग। मतलब क्या इसका, कि ये फंक्शन फ्यूचर में जाके कोई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो डायरेक्टली स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, सही है। सो एसिंक्रोनस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो हमारे पास मोस्टली फ्यूचर में होता है, सही है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके अंदर हमने कोई ना कोई वेट लगाया हुआ होता है, सही है, मतलब उसके अंदर काफी सारी लेटेंसी मौजूद होती है एंड उस टाइम के बाद हमें जाके वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है। सो आई होप इट्स समहाउ क्लियर, सही है। जब इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे उसमें जाके, क्या नाम है, जब डेटाबेस हम डेटा फिश करेंगे तो वहां पर भी हम सेम एग्जैक्टली यही चीजें यूज करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस इट अर्लियर ऑन। सो अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास सिंक्रोनस फंक्शन है, सिंक्रोनस फंक्शन है, और ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है, सो आई होप सो ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर है, सही है। अब फ्यूचर का रिटर्न टाइप का मतलब क्या है, कि ये मुझे डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये यहाँ पे 2 सेकंड का वेट है इसमें एंड देन उसके बाद जाके मुझे फ्यूचर में ये वैल्यू रिटर्न करके देगा, सही है। सो आई होप सो कि हमारे पास ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस फंक्शन का जो मेन डिफरेंस है वो क्लियर है।
अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम, सही है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। ओके, आई होप सो इट्स क्लियर। नाउ जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डेटा मॉडल्स का और बेसिक आर्किटेक्चर का। सही है कि हमारे पास बेसिक आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, सही। अच्छा, अभी हमारे पास हमारा जो एप्लीकेशन था, अगर आपको याद हो, ओके, सो दिस इज अवर वीकली स्केड्यूल फॉर वीक टू। ओके, सो वी आर इन, ओके, सो दैट्स पेज टू। ओके, सो लास्ट वीक में हमने जो एप्लीकेशन बनाया था, ओके, सो ये फॉर्म जो है, ये रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है ये, अब इसको हमने अलग अलग वैल्यूज जाके डाली हुई है यहाँ पर, सही है। हमने मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, सही है। यहाँ पर हम देखते हैं, जिस तरह जब हमने रजिस्टर स्क्रीन का रजिस्टर सेक्शन बनाया था, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, सो दिस इज रजिस्टर स्क्रीन, सही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने फुल नेम, फादर नेम, फोन नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड, ये हमने अलग अलग से अलग अलग वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, सही है। सो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, बट इसमें इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो बेहतर तरीका है, बेहतर जो हमारे पास जो बेटर ऑप्शन है उसके थ्रू हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अभी हम आते हैं अपना जो हमारे ऐप का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, सही है। सो हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास कोर का सेक्शन था, इसमें आपने एक फोल्डर बनाना है सर्विसेज के नाम से, सही है। आप डिफरेंट आर्किटेक्चर फॉलो कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ देम, सही है, कि हम जो फोल्डर का जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है उसको हम इस तरह सेट कर सकते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे मोस्टली ट्राई करेंगे कि हम MVVM टाइप का कोई आर्किटेक्चर फॉलो करें। सो दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मॉडल, VVM मॉडल कंसेप्ट का जो आर्किटेक्चर है वो हम यूज कर रहे हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते हैं, बट एनी हाउ सर्विसेज में हमने क्या क्या करना है, लेट्स सपोज हमने डेटाबेस में डेटाबेस को हमने डेटा सेंड करना है, सही है, हमने ऑथेंटिकेशन करनी है। तो जितना भी प्रोसेस है वो हम एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर एक फंक्शन लिख दें, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएं और उसी के अंदर वो सारा कुछ सेटअप हम कर दें। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक फंक्शन बना दें कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट का एक फंक्शन यहाँ पर बना के यहाँ पर हम डेटाबेस को डायरेक्टली फिच करें, डेटाबेस को हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस करें और यहीं से हम उसको डेटा पास कर दें, सही है। मतलब यहीं से हम जितना भी वो रजिस्ट्रेशन का लॉजिक है हम यहीं पे डाल दें सारा कुछ, सही है। बट दिस इज नॉट अ गुड वे टू डू इट, सही है, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन का जो लॉजिक है वो रजिस्टर स्क्रीन में होगा, फिर जो लॉगिन का जो लॉजिक है वो फिर लॉगिन के स्क्रीन के अंदर होगा। सो ये हमारे पास एक बेहतर कोड ऑर्गेनाइजेशन का तरीका नहीं है, सही है। बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करें, यहाँ पर हमने एक डेडिकेटेड फाइल बना दें ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के नाम से, या लेट सपोज API सर्विसेज के नाम से, जो जिस नाम से भी आपने बनाना है, सही है। लेट सपोज को मैं बना देता हूं डेटाबेस सर्विसेज, एक फाइल मैंने बना दी है डेटाबेस सर्विसेज के नाम से, सही है। दूसरा फाइल मैं बनाता हूं यहां पर auth सर्विसेज, सही है, auth सर्विसेज। अब ऑथेंटिकेशन का जितना भी लॉजिक होगा या रजिस्ट्रेशन का जितना भी लॉजिक होगा वो यहाँ पर होगा, सही है, और डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी लॉजिक होगा वो डेटाबेस सर्विसेज के अंदर होगा,
सही है। मतलब अब ये क्या होगा, हमारा जो ऑथेंटिकेशन का जितना भी लॉजिक है, लेट सपोज रजिस्ट्रेशन है, हमने अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है, फिर लॉग आउट करना है, हमने अकाउंट अपडेट करना है, तो ये सारा लॉजिक हम कहाँ पे रखेंगे, ये सारा लॉजिक हम यहाँ पे ऑथ सर्विसेज में रखेंगे, सही है। और जो डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी काम है, लेट सपोज हमने डेटाबेस में डेटा सेंड करना है, डेटाबेस से डेटा फिच करना है, सही है, सो वो सारा काम हम यहाँ पर डेटाबेस सर्विसेज के अंदर करेंगे, सही है। सो हम आते हैं ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, इसको हम नाम देते हैं क्लास को ऑथ सर्विस, सही है, इसको मैंने ऑथ सर्विस का नाम दे दिया है। एंड यहां पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर, सही है, या क्रिएट अकाउंट के नाम से कर सकते हैं, क्रिएट या जो आपकी मर्जी है, रजिस्टर, सही है, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हम यहां पर। सो ये क्या करेगा राइट नाउ, ये यहां पर हमारा जितना भी रजिस्ट्रेशन का लॉजिक आएगा ना, वो यहां पर आएगा, सही है। अभी तक हमने कोई ऑथेंटिकेशन सर्विसेज या फायरबेस वगैरह कनेक्ट नहीं किए यहां से, सो दैट्स व्हाई अभी हम रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं करेंगे, बट हम जस्ट यहां तक डेटा सेंड करेंगे और यहां पर हम डेटा को प्रिंट करेंगे कि डेटा हमारे पास यहां तक आ रहा है, सही है। सो ये रजिस्ट्रेशन क्या करेगा, ये हमारा जो डेटा है वो रजिस्टर करके देगा हमें, सही है। अब ये रजिस्टर का फंक्शन हमने इसमें लिख दिया है, सो अब ये रजिस्टर फंक्शन का काम क्या होगा, अब हमने जो एपीआई सर्विसेज हैं, लेट सपोज हमने कोई हम कस्टम डेटाबेस यूज कर रहे हैं या फायरबेस यूज कर रहे हैं, सो फायरबेस से रिलेटेड जितना भी लॉजिक होगा वो यहाँ पर होगा, सही है। सो यहाँ पर हमारे पास वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न की बात आ जाती है कि लेट सपोज अब इस फाइल का कंसर्न क्या होगा, इस फाइल का कंसर्न ये है कि हम सिर्फ डेटा लें और डेटाबेस में जाके चेक करें कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, सही है। मतलब डेटाबेस को जितना डेटा सेंड करना है या अकाउंट क्रिएट करना है वो सारा काम इसका ये ऑथ सर्विसेज का होगा, ऑथ सर्विसेज और ये डेटाबेस सर्विसेज का होगा, सही है। और रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन का जो काम है वो जस्ट हमारा यूआई डिस्प्ले करना है और जस्ट डेटा उठाना है यहाँ से, सही है। सो हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, ओके सो हमने करना क्या है, हम यहाँ पर ये जो डेटाबेस सर्विसेज हैं इसका एक फाइल यहाँ पर बनाते हैं, इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं यहाँ पर, सही है, फाइनल डीबी सॉरी ऑथ सर्विस इक्वल्स टू, उसका एक इंस्टेंस बनाते हैं यहाँ पर ऑथ सर्विस, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, सही है। अब जितने भी रजिस्ट्रेशन का लॉजिक है वो यहाँ यहाँ पर हमारे पास होगा ना, आज सर्विस में होगा, जिस रजिस्टर का फंक्शन हमने कॉल करना है उसको हमने डेटा पास करना है, सही है। सो रजिस्ट्रेशन हमने करनी थी कौन से स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारे पास ये रजिस्टर का बटन था, सही है। सो रजिस्टर के बटन पर जब कल हमने वैलिडेशन वगैरह की थी यहाँ पर, सो वैलिडेशन के बाद हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना था, ये प्रिंट करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम ये डेटा डेटाबेस सर्विस है ना हमारे, सॉरी ऑथ सर्विस डॉट रजिस्टर, ऑथ सर्विस डॉट रजिस्टर का फंक्शन कॉल करके उसको हमने ये सारी वैल्यूज पास कर देनी है, सही है, ईमेल पासवर्ड जितनी भी चीजें हैं, सही। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर ये क्या क्या लेगा, फाइनल स्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग पासवर्ड स्ट्रिंग फुल नेम स्ट्रिंग फादर नेम, सही, जितने भी हमारे पास यहाँ पर अभी यहाँ पर वैल्यूज हैं, फुल नेम फादर नेम फोन ईमेल पासवर्ड, सही है, जस्ट हमारे पास फोन रह गया है स्ट्रिंग फोन, सही है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आएगी और यहाँ पर हम उसको प्रिंट कर, फॉर नाउ हम और डेटाबेस को डाटा सेंड नहीं कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन का जो सर्विस को हम डाटा सेंड नहीं कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे जब हम फायरबेस कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, सही है। फॉर नाउ जस्ट क्या करते हैं, इस वैल्यूज को हम प्रिंट कर देते हैं, सही है। यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन था, यहाँ से हमने जो लॉजिक रिमूव किया है, सही है, इसको हम उठा के वहाँ पे ले आते हैं, सही है।
तो वहां पर जितने भी डेटा था हमने ये रजिस्टर फंक्शन को पास कर दिया है। अब इसको रजिस्टर करना, डेटाबेस को डेटा सेंड करना है या फायरबेस को डेटा सेंड करना है, वो सारा काम इसका होगा। उसका वो यहाँ पर इस क्लास का हमारे कोई काम नहीं है, बस इसने जस्ट ये रजिस्टर का फंक्शन कॉल कर दिया है, सो दैट्स एनफ। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर देख लें, अब लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पर ये एक वैल्यू यहाँ पर पास कर रहा हूँ, ईमेल, पासवर्ड, फुल नेम, फादर नेम, फोन नंबर, तो ये सारा एक हैक्टिक प्रोसेस है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से मैं देख के ईमेल है फर्स्ट, सो ईमेल मैं पास करूँगा यहाँ से, एंड देन पासवर्ड है, पासवर्ड पास करूँगा, फिर हमारे पास फुल नेम है तो फुल नेम पास करूँगा, फिर हमारे पास फादर नेम है सो फादर नेम पास करूँगा, सही है। सो इट इज़ अ हैक्टिक प्रोसेस कि मैं ये एक वैल्यू यहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक वैल्यू पास करूँ, सही है। सो ये एक बेहतर प्रोग्रामिंग का और बेहतर आर्किटेक्चर का और बेहतर डिज़ाइन का कंसेप्ट नहीं है ये, एक इसको हम बेड डिज़ाइन कह सकते हैं, सही है। सो बेहतर तरीका क्या है कि हम यहाँ पर आ जाएं कोर में, और कोर में हम एक और फोल्डर बना दें, एक और पैकेज बना दें, उसको हम नाम दे दें मॉडल्स, सही है, मॉडल्स, और उसमें हम ये सारे मॉडल्स बना दें। मॉडल्स का मतलब ये है कि मैं हम यहाँ पर क्लासेस बना दें, सही है। अब हमारे पास स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट के नाम से मैंने एक मॉडल बना दिया है, सही है, और यहाँ पर उसको मैं नाम देता हूँ, ये स्टूडेंट हो गया, सॉरी क्लास, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास एक मैंने बना दी, और ये जितना भी डेटा है ये देखें, नेम है, फुल नेम है, फादर नेम है, फोन नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं उठा के मैं यहाँ पे एक क्लास बना दूँ, सही है, एंड यहाँ पर इसका मैं कंस्ट्रक्टर भी बना दूँ स्टूडेंट, दिस डॉट फुल नेम, दिस डॉट फादर नेम, दिस डॉट फोन, दिस डॉट ईमेल एंड दिस डॉट पासवर्ड, सही है। सो मैंने यहाँ पर एक वो बना दिया है, एक स्टूडेंट का क्लास बना दिया, एक स्टूडेंट का मॉडल बना दिया है, सही है। अब ये जो हमारे पास ये क्लास बनी है इसको हम मॉडल्स बोलते हैं, सही है। और ये जो एक्चुअली जब हम जस्ट डेटा डाल रहे हैं, जस्ट डेटा, इसमें कोई खास फंक्शनलिटी और है नहीं, सो इसको हम बोलते हैं, इसको हम डेटा मॉडल्स बोलते हैं, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेटा मॉडल्स बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट है छोटे छोटे, आपको आपके जहन में होना चाहिए कि डेटा मॉडल्स किसको बोलते हैं, सही है। तो इसमें जस्ट डेटा है, सो इसको हम डेटा मॉडल्स बोलते हैं। आप क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स जो भी नाम देते हैं वो हमारे पास हैं, बट जो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसमें हम इसको डेटा मॉडल बोलते हैं। सो यहाँ पर सारे वैल्यूज, एक एक वैल्यू डिक्लेयर करने के बजाय मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा, स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट, सही है। मैंने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने उसको वैल्यू असाइन की थी ना, सो जस्ट इसको मैं स्टूडेंट डॉट फुल नेम कर दूंगा, सो स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट फुल नेम का नाम यहाँ पे सेट हो जाएगा, सही है। एंड सेम ओवर हियर एज वेल, स्टूडेंट डॉट फादर नेम, स्टूडेंट डॉट फोन एंड स्टूडेंट डॉट ईमेल एंड स्टूडेंट डॉट पासवर्ड, सही है। तो ये सारे वैल्यूज सेट हो गएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं जो इतने सारे वैल्यूज एक साथ पास कर रहा हूँ, स्टेप एक एक वैल्यू में पास कर रहा हूँ यहाँ से, सो रजिस्टर स्क्रीन पे जाके मैं ये सारे वैल्यूज पास करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फाइनल या रजिस्टर है ना, तो इसमें एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे, सही है, इसको इम्पोर्ट कर देंगे यहाँ पर, चलें फॉर नाउ इसको हम करते हैं, सही है। सो अब यहाँ पर देख लें, एक एक वैल्यू पास करने के बजाय मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं सारे वैल्यूज जो है ना एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कर सकता हूँ, सो जस्ट उसको मैं वो स्टूडेंट मॉडल पास कर दूंगा, सही है। सो अब कौन सा तरीका बेहतर था, ये एक स्टूडेंट मॉडल पास करने का तरीका बेहतर है, या अगर मैं एक वैल्यू उसको पास करता हूँ जो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज फाइल कर, सही है। सो ये तरीका हमारे पास बेहतर है, सही है। सो हमने ये इस तरह के ये डेटा मॉडल्स बनाने हैं स्टेप बाय स्टेप, सही। सो इसको मैं कर देता हूँ, अब ये स्टूडेंट फुल नेम था ना, इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट डॉट फुल नेम,
इसको भी हम चेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी. फादर नेम, फोन, ईमेल एंड पासवर्ड. सो बेहतर तरीका हमारे पास क्या है कि हमने डेटा मॉडल्स यूज करना है इसमें, सही है. अब स्टूडेंट का हमने एक डेटा मॉडल बना दिया है, अब कहीं मल्टीपल जगहों पे हमारे पास और भी बहुत सारे मॉडल्स बनेंगे इसमें. सो ये हमारे पास एक बेहतर तरीका है और हमने यही सेम मेथड फॉलो करना है. सो ये हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन का स्टेप था. सो आई होप सो कि मोस्टली चीजें यहां पर क्लियर है कि हमने एक तो हमने ये जो आर्किटेक्चर फॉलो करना है कि कैसा फॉलो करना है कि यहाँ पर हमने सर्विसेज फाइल्स बनानी है, लेट्स सपोज ऑथेंटिकेशन का जितना भी काम है वो यहाँ पर आप रजिस्टर करता ना, अब इसमें हम एक और फंक्शन बना देंगे लॉगिन, सही है. सो लॉगिन का भी हमारे पास एक सेटअप होगा, सही है. अब यहाँ पर हमारे पास लॉगआउट भी होगा, सही है. सो ये जितना रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन है ना, लेट्स सपोज यहाँ पर हम ये रजिस्टर था ना, अपडेट अकाउंट का भी हम कर देंगे, सही है. अपडेट अकाउंट, सही है. इसको हम रजिस्टर के बजाय इसको हम रिफैक्टर कर देते हैं, इसको हम करते हैं क्रिएट अकाउंट, तो हमारे पास एक क्रेडिट भी कंप्लीट हो जाएगा यहां पर, सही है. क्रिएट अकाउंट, सही है. सो क्रिएट अकाउंट, अपडेट अकाउंट, लॉगिन एंड लॉग आउट. तो ये सारे जितने भी अब ये सारे काम जितने भी है ना रिलेटेड है, सही है. सो ये हमने इसको आज सर्विस के अंदर डाल दिया है. अब जहाँ कहीं भी मुझे इन फंक्शन की जरूरत पड़ती है, सो मैं ये इसका एक ऑब्जेक्ट बना के उसको मैं उसके थ्रू में इन सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ, सही है. सो दिस इज द बेटर वे एंड बेस्ट वे टू डू दिस थिंग, एंड दिस थिंग शुड बी फॉलोड एज वेल. सो यहाँ तक हमारा जो मेन सेटअप है वो कंप्लीट हो जाता है कि हमने हमारा जो आर्किटेक्चर है वो हमने किस तरह फॉलो करना है, सही है. सो डेटा मॉडल्स का कंसेप्ट भी हो गया है एंड जो बेसिक आर्किटेक्चर हमने फॉलो करना है वो भी आपको मैंने बता दिया है, सही है. तो जिस तरह हमने आज सर्विसिंग क्लास बनाई है, लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह डेटाबेस सर्विसेज भी हैं, इसको भी मैं क्लास बना लेता हूँ. इसको मैं DB सर्विस का नाम देता हूँ या डेटाबेस सर्विसेज का नाम देते हैं, चलो डेटाबेस सर्विसेज. एंड इसमें यहाँ पर मैं कुछ फंक्शंस बनाता हूँ, लेट्स सपोज क्रिएट अकाउंट रिकॉर्ड, सही है. मैं अकाउंट रिकॉर्ड बनाता हूँ यहाँ पर, सही है. लेट्स सपोज मैंने उस अकाउंट को अपडेट, उसकी उसको उसका जो डेटा है उसको मैंने अपडेट करना है, सो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर, सही है. अपडेट अकाउंट रिकॉर्ड, सही. सो इसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं राइट नाउ. तो मतलब डेटाबेस से हम डेटा फिच करना है, लेट्स सपोज मैं डेटा फिच कर सकता हूँ, सही है. गेट अकाउंट रिकॉर्ड, सही है. अब ये डेटा कैसे लेता है डेटाबेस से, वो सारा लॉजिक हमें यहाँ पर डालना है, सही है. वो सारा लॉजिक यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो व्यूज है उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है, सही है. सो आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि हमने मोस्टली फॉलो करना है MVVM टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, सही है. मॉडल व्यू मॉडल का जो कंसेप्ट है हमने वो फॉलो करना है. सो आई होप सो कि दीज थिंग्स आर क्लियर. ओके, सो इफ दीज थिंग्स आर क्लियर then for now we don't have any bigger thing to discuss right now over here. अब जो हमारा next step है इस week के लिए वो ये है कि हम थोड़ा सा इसको touch करें, सही है. Git and GitHub short series जो है उसको हम थोड़ा सा हमने touch करना है. So Git and GitHub series में हम करेंगे mostly जो गिट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. बट एक्चुअली इसके लिए मैं ये सेशन का पार्ट नहीं होगा, इसको मैं सेशन डायरेक्टली नहीं होंगे इसमें, इसके मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस कुछ थोड़े बहुत मैंने बनाए हुए हैं और जो बाकी है वो भी बना देंगे अभी.
studio.youtube.com नहीं YouTube। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये आपको मैं पोस्ट करके दे दूंगा जो GitHub से रिलेटेड है, और साथ में यहां पर काफी सारी वीडियोस में ऐड कर चुका हूं। Flutter Labs पे जाके आप लोगों ने चेक करना है उसको, सही है। सो Flutter Labs पे आके यहां पर आप प्लेलिस्ट में चेक करें, यहां पर GitHub सीरीज मौजूद है, सही है। इसमें ऑलरेडी 3 वीडियोस में पोस्ट कर चुका हूं, इसमें ऑलरेडी ये 3 वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूँ, गेट बैश बेसिक व्हाई एंड व्हाट ऑफ गिट, गिट हम क्यों यूज करते हैं, सही है, एंड देन गेट बैश इंस्टॉलेशन और बेसिक सेटिंग्स जो है, एंड साथ फिर हमने गिट बैश के जो बेसिक कमांड्स हैं, यहाँ पर ये 3 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं। बाकी वीडियोस इंशाल्लाह प्लान है आज का कि आज मैं बाकी वीडियोस बना के यहाँ पर पोस्ट करूंगा। जो यहाँ पर हमने अभी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, यहाँ पर बेसिक डाटा मॉडल्स के कंसेप्ट जो है और बेसिक आर्किटेक्चर कौन सा फॉलो करना है हमने, वो कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको मैंने बता दिया है। एंड देन इस वीक हमारा नेक्स्ट गोल है GitHub जो शॉर्ट सीरीज है इसको कंप्लीट करने का, सही है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह आपको मैं एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करूंगा, लेट मी प्रोवाइड यू दैट एज वेल, सही है। मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी है, डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा ज्यादा कुछ एड करने की जरूरत नहीं है। I think it was here somewhere else. Okay, वो डॉक्यूमेंट जहाँ भी है वो आपको इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा Git and GitHub से, sorry, yes, here it is. So, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया था Git and Git सीरीज के थ्रू से रिलेटेड। सो ये डॉक्यूमेंट भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, एंड देन अलॉन्ग विद दैट ये सीरीज मस्ट है। सो इस वीक का जो हमारे जो थोड़े से एडवांस के टॉपिक्स थे डार्ट के वो कवर हो गए हैं, बेसिक जो डाटा मॉडल्स का कंसेप्ट था वो कवर हो गया है, एंड देन जो आर्किटेक्चर हमने फॉलो करना है वो कवर हो गया है, सही है। एंड देन ये GitHub सीरीज ये कंप्लीट करना है आप लोगों ने, हमारा इस वीक का जो गोल होगा मेन, सही है। सो नेक्स्ट वीक Git एंड GitHub सीरीज में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हुए तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है और आप डायरेक्टली स्लैक ग्रुप में करना चाहें तो वहां पर भी कर सकते हैं, अदरवाइज वील डिस्कस दोज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीक एज वेल। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस वीक। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं एंड बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस GitHub सीरीज को आप लोगों ने फॉलो करना है। एंड देन फॉर नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, योर क्वेश्चन आर मोस्ट वेलकम। If you don't have any question, just जिन्होंने session का first part miss किया है, so वो first part थोड़ा सा repeat करें, and after that, just go towards the Git and GitHub series, उसको आप लोग follow करें। जो बाकी videos हैं वो इंशाल्लाह मैं अभी record करके Git से related वो भी post कर दूंगा इंशाल्लाह। So अगर questions हैं तो questions are most welcome, otherwise for now, जो हमारा agenda था इस week के लिए, we are done with that. And then rest of the work we'll do inshallah in the next week. Or next week hamara jo main agenda hoga wo Firebase hoga. Firebase ke jo basic features hain usko discuss karenge, and then Firebase ko apne application ke andar integrate karenge, and then we'll start working with Firebase as well, including authentication, CRUD operations and all those things. So if you don't have any questions, so we are going to wind up this session for now, and then see you in the next session.